जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी की बरसों पुरानी सीट मैनपुरी सीट भी खाली हो गई। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक 6 महीने बाद अप्रैल तक इस सीट पर उपचुनाव होना है। सपा के टिकट पर सैफई परिवार से इस सीट के लिए दावेदार पेश करना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अखिलेश के पास तो आजमगढ़ से ही दावेदार नहीं था। अब जिस अखिलेश के पास अपनी खाली सीट का ही कोई दावेदार नहीं था, भला वो अब अपने पिताजी के निधन से खाली हुई सीट पर किसको बैठाएंगे? आखिर किस पर भरोसा जता पाएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? ये सवाल आज से कचोटना शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसी वक्त से सपाइयों के मन में क्या बल्कि सबके मन में आना शुरू हो गया था, जब सपा संयोजक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बताई जा रही थी। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के सामने ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम भी सुझाना चाहें तो शायद डिंपल के अलावा और कोई नाम इस सीट के लिए सुझा ही नहीं सकते। और है कौन? अखिलेश यादव के पास कोई भी तो नहीं। और अगर अखिलेश इस सीट से पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाते हैं, जो कि कन्नौज से सांसद रह भी चुकी हैं, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि फिर यहाँ तो परिवार के सदस्यों के बीच में युद्ध होगा, चुनावी युद्ध? जी, ससुर की सीट पर मुलायम परिवार की दो बहुएं क्या झगड़ती हुई दिखाई देंगी? संभव है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव जहां पत्नी डिंपल यादव के नाम पर दांव खेले, तो वहीं बीजेपी ने, क्योंकि अभी तक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की ईमानदारी टेस्ट की है, उसके बाद शायद अब यही वो वक्त है जब बीजेपी अपर्णा को मौका देना चाहे, अपर्णा को डिंपल के सामने मैनपुरी सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहे। सोचिए कैसी होगी तस्वीर। बड़ी बहू डिंपल यादव सपा के टिकट पर, वहीं छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर। हालांकि इसमें प्लस पॉइंट अखिलेश और मुलायम सिंह यादव का इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, मैनपुरी वासियों का, जिनका मुलायम सिंह यादव ने दसियों साल तक कल्याण किया, उनका नेताजी से भावनात्मक रिश्ता हो सकता है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद परिवार की एकजुटता को बनाए रखना भी एक टेढ़ी खीर है। पहले से ही बिखरे परिवार का इस सीट पर लड़ाई के बाद और बिखर जाना निश्चित माना जा रहा है। हालांकि अभी तय कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कयास कुछ ऐसे हैं कि ससुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव में दोनों बहुएं ही मैदान में उतरेंगी। अब अखिलेश यादव के लिए अपने सभेद किले को बचाना एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश के लिए पार्टी की इस परंपरागत सीट को चाचा को दे देना भी उनको नहीं भाएगा। कहां वो बिना मतलब की चाचा शिवपाल का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो चाचा शिवपाल को पिताजी की सीट तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे में अखिलेश के लिए सबसे ज्यादा परिवार में नजदीक तो अब पिताजी के बाद डिंपल ही है, और बीजेपी के पास डिंपल का काट है अपर्णा यादव। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नेताजी की सीट है वो आज से मुलायम सिंह यादव की नहीं है, या यूं कहें कि सपा की नहीं है, बल्कि 1996, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में मुलायम की पार्टी सपा ने यहां से जीत हासिल की है। इस पार्टी पर मजबूत पकड़ को देखते हुए अखिलेश ने भी साल 2022 का चुनाव इसी लोकसभा की करहल विधानसभा सीट से लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की थी। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अखिलेश? क्या पत्नी डिंपल को दे देंगे लगाम? क्या अपर्णा डिंपल का हो जाएगा आमना सामना, या फिर चाचा के आगे फैलाएंगे हाथ? आखिर इस स्थिति से कैसे निपटेंगे मुलायम के लाल? चिंता है बहुत बड़ी, जिसका हल निकालने में असमर्थ हैं सभी। वैसे इस स्थिति में क्या आप अखिलेश को कोई हल दे सकते हैं? क्या पिता को खो देने के बाद ये जो नई परेशानी अखिलेश के सामने आ खड़ी हुई है, क्या उसका समाधान आपके पास है? अगर है तो जरूर सुझाएं और इस मुश्किल वक्त में अखिलेश की जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाएं। वैसे डिंपल और अपर्णा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।